बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आज लेसन नंबर 7 के अंदर जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। लेसन नंबर 6 के अंदर आपने फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा और मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप जो आप लेसन नंबर 7 और इससे आगे वाले लेसन के अंदर इस्तेमाल होने हैं उनके बारे में आपने एक साथ पढ़ा, उनको समराइज करके पढ़ा। अब से आगे के जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर हमें एक एक फंक्शनल ग्रुप को एक एक दिन स्टडी करना है, तो इन तमाम फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर को हम करना सीखेंगे। आज जिस फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं वो है अल्काइल हैलाइड। तो देखते हैं कि जी इसके नोमेनक्लेचर किस तरह होंगे, और इस बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि आप लेसन 1 के अंदर ये बात पढ़ चुके हैं जी कि अल्केन्स बेसिस हैं नोमेनक्लेचर के। देखिए, जो रूल्स आपने अल्केन्स के अंदर पढ़े थे वो रेप्लिकेट होंगे, तो जो रूल्स आप पढ़ चुके हैं अल्केन्स के लिए, अल्कीन्स के लिए, अल्काइन्स के लिए, उनका बहुत ख्याल रखें, उनको अपने साथ लेके चलें ताकि आपको आगे के लेसन पढ़ना आसान हो जाए। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का लेक्चर जो कि है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब सबसे पहले ये देखते हैं जी कि अल्काइल हैलाइड किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये वो फंक्शनल ग्रुप है जी जो एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता है, और सब्स्टिट्यूएंट मैंने इससे पहले भी बताया आपको, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है जी कि लॉन्ग चेन के अंदर जो मौजूद हाइड्रोजन है तो उस हाइड्रोजन को हटा के अगर ये हेलो ग्रुप आ जाएगा तो ये कहलाता है फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो लॉन्ग चेन के अंदर जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है तो लॉन्ग चेन के अंदर कार्बन भी मुख्तलिफ तादाद के अंदर होंगे और हाइड्रोजन भी मुख्तलिफ तादाद के अंदर होंगे, तो किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर अगर हेलो ग्रुप अटैच हो जाता है तो आपका ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या कहलाता है, ये आपका हेलो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, और आपकी जो फैमिली है वो क्या कहलाती है, अल्काइल हैलाइड कहलाती है। फंक्शनल ग्रुप क्या है जी, फंक्शनल ग्रुप ये हेलो ग्रुप है जो कि हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हाइड्रोजन की जगह कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाता है, हेलो ग्रुप कहलाता है। इस हेलो ग्रुप के अंदर क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है, और आयोडो भी हो सकता है। IUPAC सिस्टम के तहत अगर आप नाम लिखना चाहें तो नाम इसका होता है हेलो अल्केन, यानी हेलो एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है अल्क से पहले, यानी जो अल्कीन आप नाम लिखेंगे उससे पहले अगर कोई चीज इस्तेमाल हो तो वो प्रीफिक्स कहलाता है, तो हेलो एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा, और उसके साथ आप अल्केन लिख देंगे, यानी लॉन्ग चेन के नाम को आप अल्केन लिख देंगे जी, तो ये बन जाएगा हेलो अल्कीन। तो IUPAC सिस्टम के तहत जो नाम लिखने का तरीका है वो क्या है जी, हेलो एज अ प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होगा, और अल्केन आप जानते हैं जी कि लॉन्ग चेन में जितने कार्बन बचेंगे उसके हिसाब से आप उसको गिनती करेंगे, तो उसके हिसाब से आप अल्क का फैसला करेंगे और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो आप इसको अल्केन कह देंगे, तो ये आपके हेलो अल्केन्स हैं कॉमन नेम। अब से अब आप देखें, इस बात का ख्याल रखें कि आपको IUPAC सिस्टम के तहत तो आपने नेमिंग करना सीखनी है, लेकिन आज से आप अपना दिमाग ये बनाए जी कि आपने कॉमन नेम लिखना भी सीखना है, तो जहां जहां कॉमन नेम पॉसिबल हो वहां वहां कॉमन नेम लिखेंगे, और जहां जिस तरह से आपका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तो फिर आपको कॉमन नेम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना उसका कोई कॉमन नेम है जी। तो कॉमन नेम आप कोशिश करें जी कि 5 कार्बन तक आप कॉमन नेम जरूर लिखें जी, और जहां जहां पॉसिबल हो वहां कॉमन नेम को भी साथ लेके चलें। तो कॉमन नेम जो इसका है वो है जी अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे हेलो अल्केन इसका IUPAC सिस्टम के तहत नेम है, और ये जो आप अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं जी तो ये इसका क्या है जी, ये कॉमन नेम है। अल्क का मतलब वही कार्बन है जी, 4 कार्बन होंगे तो आप इसको क्या कहेंगे जी, इसको ब्यूटाइल कह देंगे, और हैलाइड आप क्लोरो को क्या कह देंगे, क्लोराइड कह देंगे, ब्रोमो क्या कह देंगे, ब्रोमाइड कह देंगे, और आयोडो क्या कह देंगे, आयोडाइड कह देंगे। तो ये कॉमन नेम भी लिखना बड़ा आसान है, और कॉमन नेम भी ये रूल के तहत चल रहा है जी कि कॉमन नेम क्या कहलाएगा जी, अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा जी कि IUPAC सिस्टम के तहत और कॉमन नेम आपको किस तरह से लिखना है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि कॉमन के अंदर अगर आपने लेसन 2 को अगर आप याद करें तो लेसन 2 के अंदर आपने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आइसो और नियो, तो ये टर्मिनोलॉजी कॉमन नेम लिखने के वक्त इस्तेमाल होती हैं। तो ये प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है और टर्शरी रेडिकल क्या होता है, इस तरह अगर आपको याद हो तो हमने आइसो और नियो के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस किया था, तो वो जरा आप उसको जरा देख लीजिएगा, क्योंकि कॉमन नेम लिखेंगे तो आपकी जब चेन कॉम्प्लेक्स होगी तो फिर आपको ये आइसो, नियो या टर या सेक का वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आगे देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है जी, RX होता है, तो R आपकी कार्बन की चेन है और X आपका हेलो फंक्शनल ग्रुप है, तो जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है, RX होता है।
तो अगर कोई एग्जाम्पल से इसको पढ़ना चाहें तो जी तीन कार्बन वाली एग्जाम्पल है जी, तो ये प्रोपेन था, अगर ये क्लोरो नहीं लगा होता तो ये प्रोपेन कहलाता, और इसके अंदर यहाँ पर तीन हाइड्रोजन होते तो एक हाइड्रोजन को क्लोरो ग्रुप ने क्या कर लिया जी, सब्स्टिट्यूट कर लिया, इसलिए आप ये कह रहे हैं जी दीज आर द फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो अब यहाँ पे क्लोरो आगे लग गया है तो ये कौन सी फैमिली बन गई है, आपकी अल्काइलाइड फैमिली बन गई है, जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या कहलाता है जी, ये हेलो फंक्शनल ग्रुप आपका लगा हुआ है। अब अगर आप इसका नाम लिखने जाएंगे तो नाम लिखने का तरीका आपने सीखा, तो आप क्या लिखेंगे हेलो, तो यहाँ पे हेलो कौन सा है जी, क्लोरो है, तो आप लिखेंगे क्लोरो, तीन कार्बन की वजह से लिखेंगे इसको प्रॉप, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए आप लिखेंगे एन, तो क्लोरो प्रोपेन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है जो अल्काइल हैलाइड की फैमिली से बिलोंग करता है। और अगर आप कॉमन नेम लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि तीन कार्बन है तो आप लिखेंगे तीन कार्बन की वजह से प्रॉप, और वायल लगाना है तो आप लिखेंगे जी प्रोपाइल, और हेलो ग्रुप कौन सा है जी क्लोरो, तो इसको लिखना है हेलाइड, यानी क्या लिखेंगे क्लोराइड, तो इसका नाम है जी प्रोपाइल क्लोराइड। तो ये आपने कुछ समराइज फॉर्म में पढ़ा, और ये कुछ आपने लेक्चर नंबर 6 के अंदर भी देखा था। अच्छा जनाब, अब हम प्रोपाइल हैलाइड की बात करते हैं, और हम ये जानते हैं जी कि प्रोपाइल हैलाइड की चेन मुख्तलिफ तरीके से पॉसिबल है, तो कॉमन नेम किस तरह से लिखा जाएगा, और फिर उस कॉमन नेम की टाइप क्या होगी, वो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, और टर्शियरी होगा, उसको हमें देखना है। तो ये आपका पहली पॉसिबिलिटी है जिसके अंदर ये आपका लॉन्ग चेन हो, यानी तीनों कार्बन लॉन्ग चेन का पार्ट हो, तो देखें ये क्या कहलाएगा, ये आपका एन प्रोपाइल हैलाइड कहलाएगा, और ये जो टाइप है वो क्या है जी, प्राइमरी है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, और उसकी वजह क्या है जी, प्राइमरी की मैंने पहचान बताई थी कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उस कार्बन के साथ एक कार्बन की चेन हो, या दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि उस कार्बन पर दो हाइड्रोजन हो, तो दो हाइड्रोजन और एक चेन का होना ये इसको क्या बना देता है, प्राइमरी बना देता है, और जब ये रेडिकल प्राइमरी होता है तो क्या लिखा जाता है, एन लिखा जाता है, तो ये आपका एन प्रोपाइल हैलाइड है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है जी कि ये जो आपका जो हेलो ग्रुप है ये कॉर्नर पे नहीं, कहीं बीच में लगा हो, ठीक है जी, तो जब ये बीच में लगा है तो जरा इस कार्बन को फोकस करें, तो जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस कार्बन के आप लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक कार्बन देख रहे हैं और राइट हैंड साइड पे भी कार्बन देख रहे हैं, तो दो कार्बन है या दो कार्बन की चेन है, और जब दो कार्बन की चेन हो जाएंगी तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन बचेगा, और ऐसी सूरत में इसे आप क्या कहते हैं, ये सेकेंडरी पोजीशन कहलाती है, तो इसका नाम क्या कहलाएगा, इसका नाम कहलाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड। और ये मैं आपको बता चुका जी कि सेकेंडरी और आइसो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेन के केस में, सिर्फ और सिर्फ तीन कार्बन वाले केस के अंदर सेकेंडरी और आइसो सेम होता है जी, तो आप इसको सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड भी लिख सकते हैं और आप इसको आइसो प्रोपाइल हैलाइड भी लिख सकते हैं, लेकिन ये टाइप कैसी है, ये सेकेंडरी है, और सेकेंडरी हमने इसको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हम इसको क्यों कह रहे हैं, कि इसलिए कह रहे हैं जी कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस कार्बन के दो तरफ यानी उल्टे हाथ पे भी और सीधे हाथ पे भी कार्बन मौजूद है, तो ऐसी पोजिशन के जब जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उस कार्बन के दो तरफ अगर कार्बन हो या कार्बन की चेन हो तो ये क्या कहलाता है, ये आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहलाता है। अच्छा जी, ब्यूटाइल हैलाइड से इस बात को सीखते हैं, यानी चार कार्बन से एग्जाम्पल को सीखते हैं जी, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है जी कि लॉन्ग चेन की फॉर्म में हो तो ये क्या कहलाता है, प्राइमरी कहलाता है, तो प्राइमरी को क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, इसलिए हमने इसको क्या लिखा है जी, एन ब्यूटाइल हैलाइड, और ये टाइप कैसी है जी, प्राइमरी है, क्यों, क्योंकि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक कार्बन की चेन है, तो अगर एक कार्बन की चेन हो तो ये क्या कहलाता है, प्राइमरी कहलाता है। ये दूसरी एग्जाम्पल अब आपके सामने है, अब हेलो ग्रुप कॉर्नर के बजाय कहीं बीच में आ गया, तो जिस कार्बन के साथ ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन के लेफ्ट पे एक कार्बन है और राइट पे एक कार्बन की चेन है, यानी दो तरफ कार्बन या कार्बन की चेन है, और जब दो तरफ कार्बन की चेन होगी तो उस कार्बन पे क्या बचेगा जी, एक हाइड्रोजन बचेगा, तो ये पोजीशन क्या कहलाती है, ये सेक पोजीशन कहलाती है, और ये रेडिकल क्या कहलाता है, सेकेंडरी रेडिकल कहलाता है, तो इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड। अब ये तीसरी तरह से ब्यूटाइल हैलाइड बन सकता है जी, और यहाँ पे अगर आप देखें तो जिस कार्बन के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप यानी हेलो ग्रुप अटैच है
उस कार्बन के ऊपर भी कार्बन है, उस कार्बन के नीचे भी कार्बन है, उस कार्बन के लेफ्ट पे भी कार्बन है, यानी तीन तरफ कार्बन है और यानी कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचा। तो ये पोजीशन क्या कहलाती है? टर्शियरी पोजीशन कहलाती है। ये रेडिकल क्या कहलाएगा? टर्शियरी रेडिकल कहलाएगा। और ये जो आपका कंपाउंड है इसका कॉमन नेम क्या होगा? टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड। और चौथी जो पोजीशन है वो ये पोजीशन है जी, आपने क्या देखा जी कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन हैं, तो दो हाइड्रोजन इसको क्या बना देता है? प्राइमरी बना देता है। लेकिन जो चेन है वो लॉन्ग चेन नहीं है, क्योंकि अगर लॉन्ग चेन होती दो हाइड्रोजन के साथ तो ये क्या कहलाती है? ये आपका एन ब्यूटाइल कहलाता। लेकिन ये जो चेन है ये आपकी कॉम्प्लेक्स है, यानी इसके अंदर ब्रांच लगी हुई है। तो अगर ब्रांच लगी हुई हो और सिर्फ एक ही ब्रांच हो, इससे ज्यादा ना हो, क्योंकि इससे ज्यादा होंगे तो फिर ये कॉमन नेम के तहत नाम नहीं लिख सकते, और एक ही ब्रांच हो और वो कौन सी ब्रांच हो जी? मिथाइल ग्रुप अटैच हो, तो ये जो पोजीशन है ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या कहलाता है? आइसो ब्यूटाइल हैलाइड कहलाता है जी, और ये प्राइमरी है। तो आपने क्या देखा कि वन पोजीशन पे, यानी अगर आप नंबरिंग करें तो वन पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? हेलो लगा हुआ है, और टू सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है। तो ये क्या कहलाता है? आइसो ब्यूटाइल हैलाइड कहलाता है। तो जो आपने लेसन टू के अंदर ये आपने मुख्तलिफ किस्म के रेडिकल देखे थे, क्या देखे थे जी? एन देखा था, सेक देखा था, टर देखा था और आइसो देखा था। तो आज आप उसका असल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको जरा बहुत फोकस कीजिएगा। अच्छा, यही तमाम एग्जाम्पल हम पेंटाइल हैलाइड के लिए पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको हम तेज लेके चलेंगे। तो आपने क्या देखा जी? ये आपकी लॉन्ग चेन है और लॉन्ग चेन में आपने क्या देखा जी? हेलो ग्रुप लगा हुआ है और हेलो ग्रुप कॉर्नर पे लगा हुआ है, जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है उस कार्बन पर दो हाइड्रोजन और एक कार्बन की चेन है, तो यह कहलाएगा एन पेंटाइल हैलाइड कहलाएगा, और ये आपका प्राइमरी अल्काइल रेडिकल है। ये दूसरी एग्जाम्पल आपके सामने है और ये भी पांच कार्बन वाला है और हेलो ग्रुप यहाँ पे कहाँ पे लगा हुआ है? यहाँ पे ये बीच में लगा हुआ है। अब आपने क्या देखा कि जिस कार्बन के साथ हेलो ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन के लेफ्ट पर एक कार्बन है और राइट पे कार्बन की चेन है, तो दो तरफ कार्बन की चेन है, इसलिए ये सेकेंडरी कहलाएगा, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी पेंटाइल हैलाइड, और टाइप क्या है इसकी? सेकेंडरी है। ये बात तीसरी एग्जाम्पल देखें जी कि जो जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके ऊपर भी कार्बन है, उसके नीचे भी कार्बन है और उसके राइट पे कार्बन की चेन है, तो यानी तीन तरफ कार्बन या कार्बन की चेन है, तो ये टर्शियरी पोजीशन कहलाती है, ये कहलाएगा टर्शियरी पेंटाइल हैलाइड। और ये कैटेगरी क्या है जी? टर्शियरी है, तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी हो गया, तो इसका मतलब अब ये दो जो बचे हैं वो एक आइसो होगा दूसरा नियो होगा, और आप ये जानते हैं कि आइसो और नियो दोनों क्या है? दोनों प्राइमरी हैं। तो ये आपका कौन सा रेडिकल आ गया? आइसो रेडिकल आ गया, आइसो पेंटाइल हैलाइड इसका नाम होगा। क्यों कहेंगे जी? कि जिस कार्बन के साथ ये फंक्शनल ग्रुप यानी हेलो ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन को देखते ही आपने इसको प्राइमरी कहा, और जो चेन है वो आपकी ब्रांच है, लेकिन जो ब्रांच है वो आपकी हाईली ब्रांच नहीं है, एक होती है ब्रांच चेन और एक होती है हाईली ब्रांच चेन। हाईली ब्रांच अभी आप नीचे देखेंगे, तो ये ब्रांच चेन है, सिर्फ एक ब्रांच लगी हुई है, वो ब्रांच भी क्या होगी जो मिथाइल की होगी, और ये मिथाइल जो होगा ये सेकंड लास्ट कार्बन पे होगा, तो जो हेलो ग्रुप है और हेलो ग्रुप के हिसाब से ये आपका लास्ट कार्बन हुआ, तो लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन पर क्या होगी जी? कार्बन की कार्बन या कार्बन यानी मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, तो ये क्या कहलाता है? ये आपका आइसोपेंटाइल हैलाइड कहलाता है, और ये आपका प्राइमरी है जी। और अगर आप यहाँ पे देखें जी, तो जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है अब उस कार्बन के साथ हाईली ब्रांच चेन है, यानी जितनी ब्रांचेस पॉसिबल है उतनी ब्रांचेस इसके साथ मौजूद है, तो ये पोजीशन क्या कहलाती है? ये आपकी न्यू पोजीशन कहलाती है। या सिंपल ये देखें जी कि जिसका एक ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ कार्बन हो, तो ये क्या कहलाता है? ये आपका नियो कहलाता है। तो ये जो रेडिकल है वो क्या कहलाएगा? ये आपका नियो पेंटाइल हैलाइड कहलाएगा, और प्राइमरी ये इसलिए है जी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन पे क्या है जी? दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन और एक चेन है, वो अलग बात है कि चेन क्या है जी? हाईली ब्रांच है, तो हाईली ब्रांच की वजह से इसको नियो पेंटाइल कहेंगे, लेकिन क्योंकि चेन सिर्फ एक ही है और कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये आपका प्राइमरी कहलाएगा। तो देखिए, ये आप इसको बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा ताकि आपको कॉमन नेम पे कमांड हासिल हो जाए, क्योंकि आईयूपीएसी सिस्टम के तो एक रूल है और उन रूल को अप्लाई करना, उन रूल को इस्तेमाल करना, उन रूल्स को याद रखना, क्योंकि आप अल्केन अल्कीन अल्काइन पढ़ चुके हैं तो वहां पे भी आपको कमांड हासिल हो गया है जी, और अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर भी कमांड इंशाल्लाह ताला हासिल हो जाएगा। लेकिन ये जो आपको एन पोजीशन है, जो सेकेंडरी पोजीशन है, जो टर्शियरी पोजीशन है, आइसो और जो न्यू पोजीशन है, देखिए ये अगर आपको चेन बनाना आ गई तो आपके लिए जो आपके कॉमन नेम है उसमें भी आपको कमांड हासिल हो जाएगा। तो जरा थोड़ा सा लेक्चर नंबर 2 को बहुत ज़रा फोकस करें,
और अगर आप उसको फोकस नहीं कर रहे तो कम से कम ये जो हमने इब्तिदा में थोड़ी सी जो बात की है, जो हमने प्रोपाइल हैलाइड और ब्यूटाइल हैलाइड और पेंटाइल हैलाइड के साथ जो एग्जांपल्स को देखी हैं, जरा इनको देखिएगा और एन सेकेंडरी टर्शरी आइसो और न्यू पोजिशंस को जरा अपने दिमाग में बिठा लें ताकि आपको इसको पहचानना और इसका कॉमन नेम लिखना भी आपके लिए आसान हो जाए। खैर अब हम आईओपैक सिस्टम के तहत नाम पढ़ने जाएंगे और जहां जहां हमें पॉसिबल लगेगा वहां वहां हम कॉमन नेम भी साथ लिखेंगे। तो रूल्स पढ़ने जा रहे हैं और जो पहला रूल है जी वो क्या है जी कि लॉन्ग चेन को आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है कि जो फंक्शनल ग्रुप हो वो लॉन्ग चेन के अंदर आए। इससे पहले आप जब अल्कीन्स पढ़ रहे थे यानी डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन और जब अल्काइंस पढ़ रहे थे ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन तो वहां आप क्या कर रहे थे जी, वहां भी बार बार ये कह रहे थे जी कि लॉन्ग चेन इस तरह सेलेक्ट करनी है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लॉन्ग चेन के अंदर आ जाए। लेकिन अगर हेलो ग्रुप मौजूद होगा तो अब आपकी क्या ख्वाहिश होगी और अब आप पे लाजिम है जी कि लॉन्ग चेन के अंदर हेलो ग्रुप आना चाहिए। लॉन्ग चेन के अंदर हेलो ग्रुप आने का मतलब ये है जी कि चेन इस तरह से सिलेक्ट करनी है कि उस चेन के ऊपर जो कार्बन जो आपने लॉन्ग चेन के अंदर सिलेक्ट करना है उस कार्बन के ऊपर हेलो ग्रुप भी मौजूद हो क्योंकि लॉन्ग चेन के अंदर सिर्फ कार्बन आते हैं। अच्छा जी एग्जाम्पल वन को डिस्कस करने जा रहे हैं जी और एग्जाम्पल वन अब आपके सामने है तो ये आपको लॉन्ग चेन नजर आ रही है तो लॉन्ग चेन आपने कार्बन की इस तरह से सिलेक्ट करनी है जी कि हेलो ग्रुप लॉन्ग चेन के अंदर आ जाए। तो चेन के अंदर सारे के सारे कार्बन है और जो क्लोरो है वो चेन के बाहर है। जरा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट इसको भी जो है ना ये क्योंकि ये सीएल है तो इसको भी वो कार्बन समझ लेते हैं और कभी कभी वो इस क्लोरो को ही जो है ना चेन के अंदर शामिल कर लेते हैं। तो देखें ऐसा नहीं होना, चेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन होंगे और वैसे ही ये सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट हमेशा चेन के बाहर होता है। तो ख्याल रखिएगा इस कार्बन में और ये कार्बन नहीं है भाई, ये क्लोरो है, ये सीएल है, ये पूरे का पूरा सिंबल किसके लिए है, क्लोरीन के लिए है जी। तो जरा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट की गलती करते हैं इसके मैंने आपको यहाँ पे इसकी निशानदेही की। तो लॉन्ग चेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन आने हैं और लॉन्ग चेन इस तरह सेलेक्ट करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट वो लॉन्ग चेन के ऊपर मौजूद हो, ये सब्स्टिट्यूएंट बाहर ना जाए। अच्छा जी ये दूसरी एग्जांपल आपके सामने है और लॉन्ग चेन की सिलेक्शन इस तरह करनी है कि ब्रोमो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट लॉन्ग चेन के अंदर आ जाए। तो ये आपने लॉन्ग चेन सिलेक्ट करी जो एल शेप के अंदर आ रही है। अच्छा जी हाँ ये अब आपकी तीसरी एग्जांपल आपके सामने है और लॉन्ग चेन आपने सिलेक्ट करनी है इस तरह के जी ये लॉन्ग चेन के अंदर एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। तो ये आपने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट किया, अब आपने क्या देखा जी कि एज अ सब्स्टिट्यूएंट ये लॉन्ग चेन का पार्ट है। ये चौथी एग्जांपल आपके सामने है और अगेन हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। देखिए अगर हम इसको सिलेक्ट कर लें इस तरह हमने पिछली एग्जांपल में हमने सिलेक्ट की थी तो देखिए ये क्लोरो डायरेक्टली अटैच नहीं होगा बल्कि CH2 के साथ अटैच होगा और हम इसका नाम नहीं लिख पाएंगे। तो हमें लॉन्ग चेन किस तरह से सिलेक्ट करनी है जी कि क्लोरो लॉन्ग चेन में कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो, ठीक है जी। तो लॉन्ग चेन इस तरह से सिलेक्ट करनी है कि हेलो ग्रुप लॉन्ग चेन में किसी कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो। तो ये सही सिलेक्शन है लेकिन अगर आप ये सिलेक्शन करते वर्टिकल फॉर्म के अंदर तो आप गलत होते। ये पांचवी एग्जांपल आपके सामने है और लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है। तो लॉन्ग चेन हमने किस तरह से सिलेक्ट करी, इस तरह से सिलेक्ट करी कि हेलो ग्रुप लॉन्ग चेन के साथ डायरेक्टली अटैच हो। अच्छा जी जब हमने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट कर लिया तो अगला काम क्या होता है, हमें नंबरिंग करना होता है और नंबरिंग अब हमें इस तरह से करनी है लॉन्ग चेन के अंदर कि हेलो ग्रुप नियरेस्ट कार्बन पे आए। तो अब आपने नंबरिंग करनी है, लॉन्ग चेन को आपने सिलेक्ट कर लिया, लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना सीख लिया। जब लॉन्ग चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो अब आपने नंबरिंग करनी होती है और नंबरिंग आपने इस तरह करनी है कि हेलो ग्रुप नियरेस्ट कार्बन पे आए। आइए नंबरिंग करके देखते हैं जी। तो एग्जांपल वन अब आपके सामने है और हमें लॉन्ग चेन सिलेक्ट करना आ गई, नंबरिंग करनी है। तो लॉन्ग चेन को सिलेक्ट किया और नंबरिंग करी और ये जो हमने नंबरिंग करी है वो किससे की है जी, राइट से की है क्योंकि राइट से नंबरिंग करने पे ये जो क्लोरो है जो आपका क्लोरो ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पे आ रहा है और अगर आप लेफ्ट से गिनती करते तो ये क्लोरो ग्रुप फोर्थ कार्बन पे चला जाता तो क्लोरो ग्रुप दूर हो जाता तो नंबरिंग आपकी गलत हो जाती है। तो नंबरिंग कहाँ से करी है, यहाँ पे आपने राइट से की है। ये दूसरी एग्जाम्पल आपके सामने है और नंबरिंग सिलेक्शन करनी है और नंबरिंग करनी है। तो यहाँ जो हमने नंबरिंग करी है वो लेफ्ट से की है क्योंकि ये जो ब्रोमो है ये कार्बन नंबर वन पे आ रहा है और अगर आप राइट से गिनती करते तो ये कार्बन नंबर फाइव पे जाता तो हेलो ग्रुप का नियरेस्ट कार्बन पे आना ये लाजमी है। तो नंबरिंग इस तरह करनी है कि हेलो ग्रुप नियरेस्ट कार्बन पे आए।
तीसरी एग्जांपल अब आपके सामने है, सिलेक्शन और नंबरिंग देखते हैं जी। तो ये हमने सिलेक्शन करी और नंबरिंग, चाहे अब आप ऊपर से करें चाहे आप नीचे से करें, तो ये क्लोरो ग्रुप सेकंड कार्बन पे ही पड़ेगा। तो यहाँ आप दोनों तरीके से पॉसिबल है आपके लिए। ये चौथी एग्जांपल आपके सामने है, सिलेक्शन और नंबरिंग आपने देखी जी। तो नंबरिंग आपने कहाँ से की है, राइट से की है, क्योंकि राइट से नंबरिंग करेंगे तो क्लोरो वन कार्बन पे पड़ेगा, लेकिन अगर आप लेफ्ट से गिनती करेंगे तो ये थर्ड कार्बन पे पड़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपने जो यहाँ पे गिनती करनी है वो राइट से गिनती करनी है। एग्जाम्पल 5 आपके सामने है, और यहाँ पे भी जो आपने काउंटिंग करनी है वो कहाँ से करी थी, आपने राइट से काउंटिंग की है, और राइट से इसलिए काउंटिंग की है कि क्लोरो ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे पड़ रहा है। तो यहाँ अब आपने काउंटिंग करना सीखी, और जब आपने लॉन्ग चेन की सिलेक्शन कर ली और लॉन्ग चेन पर काउंटिंग कर ली, तो अब आपका क्या काम रह जाता है जी, आपको नाम लिखना रह जाता है। तो नाम लिखने का रूल हम पढ़ लेते हैं जी। तो रूल 3 के अंदर हम नाम लिखना सीखेंगे IUPAC सिस्टम के तहत। और रूल 3 क्या कह रहा है जी कि मेंशन द पोजीशन ऑफ हेलो ग्रुप बाय अ नंबर। कि ये देखिए, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होता है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप मिथाइल का नाम लिखते हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह से आप किसका नाम लिखते हैं, इथाइल का नाम लिखते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह हेलो भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट होता है, और उसी तरह उसका नाम लिखा जाता है। और वही रूल जो आपके अल्काइल रेडिकल्स के लिए है, वही रूल आपके हेलो ग्रुप के लिए है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हेलो ग्रुप की निशानदेही करनी है, उसके बाद हेलो ग्रुप की पोजीशन को मेंशन करना है, उसके बाद हेलो का नाम मेंशन करना है, यानी क्लोरो ब्रोमो आयोडो। जब ये लिख लेंगे तो फिर आपने क्या लिखना है जी, लॉन्ग चेन का नाम लिखना है, और लॉन्ग चेन का नाम अल्केन ही होता है, यानी 5 कार्बन है तो पेंटेन लिखेंगे और 6 कार्बन है तो आप हेक्सेन लिखेंगे। तो IUPAC सिस्टम क्या कहता है जी कि हेलो एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल हो जाएगा, और प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, किस से पहले जी, अल्केन से पहले। तो अल्केन से पहले आपको हेलो लिखना पड़ेगा, लेकिन हेलो के साथ उसकी पोजीशन को भी मेंशन करना पड़ेगा। हेलो के अंदर अगर क्लोरीन है तो आप क्लोरो इस्तेमाल करेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो इस्तेमाल करेंगे, और आयोडीन है तो आप आयोडो इस्तेमाल करेंगे। इसको अगर हम एग्जाम्पल से देखते हैं, तो हेलो ग्रुप अगर आपका फंक्शनल ग्रुप होगा तो आप हेलो को एज अ प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, किस से पहले, अल्केन से पहले। तो नाम क्या बन जाएगा, हेलो अल्केन बन जाएगा। एग्जाम्पल 1 अब आपके सामने है और इस रूल को अप्लाई करना है। लॉन्ग चेन का सिलेक्शन किया और नंबरिंग कर दी, जो आप पहले भी सीख चुके हैं। अब आपने क्या करना है जी, सब्स्टिट्यूएंट देखा, तो क्लोरो एज अ फंक्शनल ग्रुप है, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होगा, और कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, 2 क्लोरो कहलाएगा, और लॉन्ग चेन के अंदर 5 कार्बन है और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या कहलाएगा, पेंटेन कहलाएगा। ठीक है जी, तो अब आप इसका नाम किस तरह से लिखेंगे, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दें तो आप क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो पेंटेन। तो ये IUPAC सिस्टम के तहत इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है कि आपने हेलो ग्रुप की पोजीशन को मेंशन किया, हेलो ग्रुप के नाम को मेंशन किया, और उसके बाद आपने लॉन्ग चेन के नाम को मेंशन कर दिया। तो ये IUPAC सिस्टम के तहत क्या हो गया, इस कंपाउंड का नाम हो गया। और देखेंगे सिंपलेस्ट है, और इसका आप कॉमन नेम भी लिख सकते हैं, और कॉमन नेम में आपने क्या देखना है जी कि जिस कार्बन के साथ, एक तो ये 5 कार्बन है तो इसका मतलब ये है जी कि ये पेंटाइल तो है। अब आपने देखना है जी कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या टर्शरी है, या आइसो है। तो आपने क्या देखा जी कि जिस कार्बन के साथ क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, उस कार्बन के लेफ्ट पर कार्बन की चेन है और राइट पर एक कार्बन है, यानी दो तरफ कार्बन या कार्बन की चेन है, तो ये क्या कहलाता है, सेकेंडरी कहलाता है। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है जी सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड, या आप इसको कहेंगे जी सेक पेंटाइल क्लोराइड। तो अब आपको IUPAC सिस्टम के तहत नेम लिखना आ गया। और अगर आपको चेन पहचाननी आती है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, आइसो है, टर है, या न्यू है, तो आप बहुत आराम से इसका कॉमन नेम भी लिख सकते हैं। तो जरा दोनों को फोकस करें ताकि आपको आगे आसानी हो। अच्छा जी, एग्जाम्पल 2 अब आपके सामने है, और अब हमें लॉन्ग चेन की सिलेक्शन और नंबरिंग तो करना आ गई है जी। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने ब्रोमो ग्रुप को क्या किया जी, सब हाईलाइट किया, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ये मौजूद है और पहले कार्बन पे मौजूद है, तो हमने लिखा जी 1 ब्रोमो, और लॉन्ग चेन का नाम क्या है जी, 5 कार्बन की वजह से पेंट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेंटेन।
इन दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए तो इसका आयुपेक सिस्टम के तहत जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा, 1-bromopentane, ये इसका आयुपेक सिस्टम के तहत नाम है। और अगर आप इसका नाम लिखना चाहेंगे जी, कॉमन नेम लिखना चाहेंगे, तो बड़ा सिंपल है जी, क्योंकि जो ब्रोमो है ये कहाँ पे लगा हुआ है, कार्बन नंबर पे 1 पे लगा हुआ है, और ये जिस कार्बन पे लगा हुआ है उस कार्बन के साथ एक ही कार्बन की चेन है, तो ये कहलाएगा एन, और 5 कार्बन की वजह से पेंटाइल, एन प्राइमरी की वजह से 5 कार्बन की वजह से पेंटाइल, और ब्रोमो तो नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड लिखेंगे, तो एन पेंटाइल ब्रोमाइड ये इसका कॉमन नेम है। ये तीसरी एग्जाम्पल आपके सामने है, और लॉन्ग चेन का सिलेक्शन और नंबरिंग आपने सीख ली है। अब आपने क्या देखा जी, आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और ये फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, तो क्या कहेंगे इसको, 2-chloro कहेंगे, और सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, तो ये भी सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, इसलिए आप इसको 2-methyl कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और रूल है जी, क्योंकि मैंने क्या कहा जी कि क्लोरो का ऐसा सब्स्टिट्यूएंट ही इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर कोई और सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो रूल्स क्या कहते हैं जी, जो आपने इससे पहले एल्केन्स के अंदर पढ़े, तो रूल ये कहता है जी कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहे हैं तो उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे क्लोरो और मिथाइल दोनों को सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, और दोनों का नाम अब आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, यानी क्लोरो सी पहले आता है तो क्लोरो पहले लिखेंगे, और एम बाद में आता है इसलिए मिथाइल बाद में लिखेंगे। यानी ये लाजमी नहीं है कि एल्केन के बिल्कुल बराबर में हेलो का लिखना, ये लाजमी नहीं है जी, ठीक है जी। तो ये हेलो पहले होना चाहिए, ठीक है जी। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर का ख्याल रखना है, यानी आपने लिखा 2-methyl 2-chloro एल्केन, ठीक है जी। तो अब आपने ये मतलब अपने दिमाग से ये मिसकॉन्सेप्शन निकाल दें कि क्लोरो बिल्कुल बराबर में आता है। खैर अभी नाम लिखेंगे तो मैं आपको इस पे दोबारा से डिस्कस करता हूँ। और लॉन्ग चेन के अंदर 3 कार्बन है तो ये क्या कहलाएगा, प्रोपेन कहलाएगा। तो आपने नाम को कंबाइन किया, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर आपने लिखा 2-chloro 2-methyl प्रोपेन। तो देखिये क्लोरो प्रीफिक्स के तौर पर आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन प्रोपेन के बिल्कुल बराबर में इस्तेमाल करना ये कोई रूल नहीं है, ठीक है जी। तो क्लोरो को और मिथाइल को दोनों को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, और जब दोनों को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिया है तो यहाँ पर अल्फाबेटिक ऑर्डर वाला रूल लगेगा, तो क्योंकि सी पहले आता है इसलिए क्लोरो को पहले लिखा जाएगा, और एम बाद में आता है इसलिए मिथाइल को बाद में लिखा जाएगा। तो यहाँ आप गलती मत कीजिएगा, अपने दिमाग से ये बात निकाल दें जी कि हेलो अल्केन के बिल्कुल बराबर में इस्तेमाल होगा, तो ऐसा कोई रूल नहीं है जी। हाँ, एक से ज्यादा जब सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे, यानी क्लोरो और मिथाइल ग्रुप दोनों आ जाएंगे, तो अब इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाएगा। प्रीफिक्स का मतलब पहले होना है, चाहे बिल्कुल बराबर में हो या कुछ पहले हो, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप देखें तो आप इस चेन का भी कॉमन नेम लिखने के काबिल हैं। आपने क्या देखा जी कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके ऊपर, उसके नीचे और उसके राइट पर तीनों तरफ कार्बन लगे हुए हैं, और आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए जी कि ये पोजीशन क्या कहलाती है, टर्शरी पोजीशन कहलाती है। कार्बन गिने, कार्बन कितने हैं जी, 1, 2, 3, 4 कार्बन है। अब आपने लॉन्ग चेन के कार्बन नहीं, सारे के सारे कार्बन को गिनना होता है, तो 4 कार्बन है, 4 का मतलब ब्यूटाइल, और किस फॉर्म में है, टर्शरी ब्यूटाइल, तो इसका नाम है जी टर्ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है जी। तो आपने कॉमन नेम लिखना भी सीखा, कॉमन नेम के अंदर सारे के सारे कार्बन, चाहे वो चेन के अंदर हो चाहे चेन के अंदर नहीं, उन सबको काउंट करना पड़ता है, और फिर उनको देखना होता है कि वो किस पोजीशन में है, एन पोजीशन में है, या वो आइसो पोजीशन में है, या वो टर पोजीशन में है, या नियो, या आपके सेकेंडरी पोजिशन में है। तो ये टर्शियरी पोजिशन के अंदर है तो ये क्या कहलाएगा, टर्ब्यूटाइल क्लोराइड कहलाएगा। अच्छा, चौथी एग्जाम्पल अब आपके सामने है। लॉन्ग चेन को आपने सिलेक्ट किया, नंबरिंग कर ली, अब आपने क्या देखा है जी, अब आपने सब्स्टिट्यूएंट को मार्क करें उनकी पोजीशन के साथ, तो आपने लिखा जी ये क्लोरो ग्रुप है और ये कार्बन नंबर 1 पे मौजूद है, तो आपने लिखा 1-chloro। ये मिथाइल ग्रुप है और ये कार्बन नंबर 2 पर मौजूद है, तो आपने लिखा 2-methyl। एक और मिथाइल ग्रुप भी कार्बन नंबर 2 पे मौजूद है, तो आपने लिखा 2-methyl। और लॉन्ग चेन के अंदर 3 कार्बन है तो आपने इसका नाम लिखा जी प्रोपेन। अब आपने इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर लिखना है, और यहाँ पे फिर देखिए आपको रूल लगाना है कि अगर एक से ज्यादा मिथाइल आ जाए तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं, डाई मिथाइल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्लोरो लिखेंगे, तो आपने लिखा 1-chloro। उसके बाद आप लिखेंगे 2.2-dimethyl, और उसके बाद आप लॉन्ग चेन का नाम लिखेंगे, तो ये है जी 1-chloro 2.2-dimethyl प्रोपेन। ये आयुपेक सिस्टम के तहत इस
ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है। और देखें यहाँ पर भी आप इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप कार्बन को गिनें, तो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन नजर आ रहे हैं, तो ये पेंटाइल क्लोराइड है। अब आपने क्या देखा जी कि काक के हेलो ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है, उस कार्बन के पास तो 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब है ये प्राइमरी है। लेकिन प्राइमरी के अंदर जो चेन है वो हाईली ब्रांच है, तो प्राइमरी के अंदर, प्राइमरी अल्काइल रेडिकल के अंदर अगर चेन हाईली ब्रांच हो तो उसको क्या कहते हैं, नियो कहते हैं। नियो के लिए इस कार्बन को चेक कर लें कि इस कार्बन के चारों तरफ कार्बन है, तो ये क्या कहलाएगा, नियो पेंटाइल क्लोराइड कहलाएगा। तो नियो पेंटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। तो IUPAC सिस्टम में तो रूल्स लगते हैं, लेकिन कॉमन नेम के लिए आपको चेन का स्ट्रक्चर देखना होता है कि वो एन है या सेकेंडरी है या आइसो है या टर्शरी है या नियो है। अच्छा जी, ये पांचवी एग्जाम्पल आपके सामने है। लॉन्ग चेन की सिलेक्शन करी, नंबरिंग कर ली, अब आप सब्सटीट्यूएंट्स को मार्क करें, उनकी पोजीशन को आप लिखें। तो 1 पर क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है, और 2 पे क्या लगा हुआ है जी, मिथाइल लगा हुआ है, और लॉन्ग चेन के अंदर 3 कार्बन है तो क्या कहलाएगा, ये प्रोपेन कहलाएगा। अल्फाबेटिक ऑर्डर में इनके नाम को आप जोड़ दें तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका IUPAC सिस्टम के तहत नाम है। तो ये तो लिखना इंतहाई आसान है। अब आप इसका अगर कॉमन नेम लिखना चाहें, क्योंकि 4 कार्बन, मैंने कहा जी 5 कार्बन तक आप कॉमन नेम बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके कितने हैं जी, 4 कार्बन है। आपने क्या देखा जी कि के क्लोरो ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है, उस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए, इसका मतलब है ये प्राइमरी है। लेकिन जो चेन इसके साथ है उसके अंदर ब्रांच भी मौजूद है, और अगर चेन नॉर्मल ना हो यानी अनब्रांच ना हो, उसके साथ ब्रांच लगी हो, तो ये क्या कहलाती है, आइसो कहलाती है। और 4 कार्बन की वजह से इसे क्या कहेंगे, ब्यूटाइल कहेंगे। तो ये क्या है जी, आपके पास आइसो ब्यूटाइल है और ये क्लोराइड है, तो कॉमन नेम इसका क्या होगा, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड होगा। तो आपने इन 5 एग्जाम्पल के अंदर IUPAC सिस्टम के तहत नाम लिखना सीखा, जहां आपने बराह रास्त रूल्स को इस्तेमाल किया। लेकिन आपने एक बात और भी सीखी जी कि कॉमन नेम लिखने के लिए आपको क्या आना चाहिए जी, आपको स्ट्रक्चर पे कमांड होनी चाहिए जी। उसके अंदर कोई सिलेक्शन नहीं होती, उसके अंदर कोई नंबरिंग नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चेन के अंदर कार्बन को गिना जाता है, और ये देखा जाता है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, ये आइसो या नियो की फॉर्म में है, और उसके बाद आप कॉमन नेम लिख देते हैं। अच्छा जी, अब रूल 4 पढ़ने जा रहे हैं। और रूल 4 क्या कहता है जी, रूल 4 ये कहता है जी कि अगर एक से ज्यादा हेलो ग्रुप लगे हुए हों, तो ये रूल आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं जी। तो आप क्या करते हैं जी, हेलो के साथ डाई का, ट्राई का, टेट्रा का या पेंटा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो 2 हेलो ग्रुप लगे हुए हो तो आप लिखेंगे डाई हेलो, और अगर 3 लगे हो तो आप क्या लिखेंगे, ट्राई हेलो लिखेंगे। और बाकी रूल्स आपके वही हैं जी कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इस्तेमाल नहीं होते। आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। तो ये एग्जाम्पल अब आपके सामने है, लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है और नंबरिंग करनी है कि इस तरह के हेलो ग्रुप करीब पड़े। तो देखिए, नंबरिंग मैंने राइट से की है, क्योंकि राइट से नंबरिंग करने पे ये क्लोरो सेकंड कार्बन पे पड़ रहा है और ये 3rd कार्बन पे पड़ रहा है, यानी 2 और 3 पोजीशन बन रही है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता तो ये क्लोरो 3 और 4 पोजीशन पे आता, तो 3 और 4 पोजीशन का मतलब है ये दूर चला गया। तो नंबरिंग जो करना है वो हम राइट से ही करेंगे। रेडिकल क्लोरो को एज अ रेडिकल लेंगे और इसको आप हाईलाइट करके इनकी पोजीशन को मेंशन करें। तो 2 क्लोरो और ये क्लोरो लगा हुआ है 3rd कार्बन पे, तो क्या कहलाएगा, 3 क्लोरो, और लॉन्ग चेन के अंदर 5 कार्बन है इसलिए पेंट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या कहलाएगा, ये पेंटीन कहलाएगा। अब आप इन दोनों को कंबाइन करें तो आप क्या लिखेंगे, 2, 3 और 2 है इसलिए लिखेंगे डाई। तो 2, 3 डाई क्लोरो पेंटेन, ये इसका क्या होगा जी, ये इसका IUPAC सिस्टम के तहत नाम होगा। और जब एक से ज्यादा क्लोरो आ जाएंगे, अब आप इसका कॉमन नेम लिखने नहीं जाएंगे। कॉमन नेम लिखने के लिए एक शर्त ये भी है जी कि ब्रांचेस कम से कम हो, और दूसरी शर्त ये भी है जी कि हेलो ग्रुप एक से ज्यादा ना हो। अगर आप हेलो ग्रुप एक से ज्यादा हो जाएगा तो फिर आप इसका नाम, आप कॉमन नेम फिर इसका नहीं लिखेंगे, फिर आप इसको IUPAC नेम के तहत ही इसको लेके चलेंगे। तो IUPAC सिस्टम के तहत जो इसका नाम है वो क्या है, 2, 3 डाई क्लोरो पेंटेन। अच्छा जी, 5वां रूल पढ़ने जा रहे हैं, और 5वां रूल ये कह रहे हैं जी कि अगर डिफरेंट हेलो ग्रुप मौजूद हो, यानी अगर क्लोरो भी मौजूद हो और ब्रोमो भी मौजूद हो और अगर आयोडो भी मौजूद हो, तो अब हम किस तरह से नाम लिखें। तो देखिए, नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाएगा,
अच्छा दूसरा सवाल है जी कि किस तरह से नंबरिंग करें, तो भाई जहां से जो ग्रुप करीब पड़ रहा हो वहां से हम नंबरिंग करेंगे, तो अगर हमें आयोडो ग्रुप करीब पड़ रहा है तो हम आयोडो से नंबरिंग कर देंगे, और अगर ब्रोमो करीब पड़ रहा है तो हम ब्रोमो से नंबरिंग कर देंगे, तो जो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ेगा वहां से हम नंबरिंग करेंगे। एग्जाम्पल अब आपके सामने है, लॉन्ग चेन को हमने सिलेक्ट किया और नंबरिंग हमने यहाँ पर राइट से की है जी, तो नंबरिंग राइट से इसलिए की है कि सेकेंड कार्बन पर आयोडो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, जबकि अगर हम नंबरिंग लेफ्ट से करते तो क्लोरो थर्ड कार्बन पे आ रहा है, तो थर्ड और फोर्थ कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप पड़ते हैं अगर लेफ्ट से गिनती करते, और राइट से गिनती करें तो सेकेंड और थर्ड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप पड़ रहे हैं, तो इसलिए अब हम गिनती कहाँ से करेंगे कि जहां से ये फंक्शनल ग्रुप करीब आ जाए, तो हमने गिनती करी है राइट हैंड साइड से। अब आप इन फंक्शनल ग्रुप को मार्क करें और इनकी पोजिशन के साथ इनका नाम लिखें, तो सेकेंड पे आयोडो लगा हुआ है तो आपने लिखा टू आयोडो, और थर्ड कार्बन पे क्लोरो लगा हुआ है तो आपने लिखा थ्री क्लोरो, और थर्ड कार्बन पे ब्रोमो लगा हुआ है तो आपने लिखा थ्री ब्रोमो, और इस लॉन्ग चेन के अंदर पांच कार्बन है तो आपने लिखा जी पेंट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए आपने लिखा पेंटेन। अब आपने इन रेडिकल्स को, ठीक है जी, इन हैलो ग्रुप्स को अब आपने किस फॉर्म में लिखना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले बी आता है तो आप लिखेंगे थ्री ब्रोमो, उसके बाद सी आता है आप लिखेंगे थ्री क्लोरो, उसके बाद आई आता है तो आप लिखेंगे टू आयोडो, और उसके बाद लॉन्ग चेन का नाम लिखा जाएगा, तो ये इसका नाम है जी थ्री ब्रोमो थ्री क्लोरो टू आयोडो पेंटेन। अच्छा रूल सिक्स पढ़ने जा रहे हैं, और रूल सिक्स आपको ये कहता है जी इफ डिफरेंट हेलो ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट द सेम पोजिशन, कि अब आप गिनती करने गए लेफ्ट से और गिनती करने गए अब आप राइट से, जब आप लेफ्ट से गिनती कर रहे हैं तो मिसाल के तौर पे क्लोरो करीब वाले कार्बन पे आ रहा है, और जब आप राइट से गिनती करने गए तो आयोडो करीब वाले कार्बन पे आ रहा है, मिसाल के तौर पे लेफ्ट से गिनती करने पर क्लोरो सेकंड कार्बन पे आ रहा है और राइट से गिनती करने पर आयोडो सेकंड कार्बन पे आ रहा है, यानी दोनों तरफ से मुख्तलिफ सिम से गिनती करने पर मुख्तलिफ हेलो ग्रुप सेम कार्बन पे आ रहे हैं, अब जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो इनके वजन के हिसाब से है, जो लाइटर है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने मिथाइल और इथाइल हो तो मिथाइल क्योंकि छोटा है उसको प्रेफरेंस दे देते हैं और इथाइल बड़ा है उसको प्रेफरेंस नहीं देते, इसी तरह यहाँ पे क्लोरो सबसे लाइटर है और ब्रोमो उससे हैवियर है और आयोडो सबसे हैवियर है, तो लाइटर को प्रेफरेंस देते हैं तो क्लोरो को प्रेफरेंस दी जाएगी, तो आप कहां से गिनती करेंगे लेफ्ट से गिनती करेंगे तो ताकि क्या हो जाए जी क्लोरो करीब पड़ जाए, तो ये जो रूल है बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है और इसमें स्टूडेंट गलती करते हैं, तो आप कोशिश करें कि यहाँ गलती ना हो, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आपने डबल और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेफरेंस पढ़ी थी कि डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस दी जाती है, जिस तरह आपने मिथाइल और इथाइल के अंदर प्रेफरेंस पढ़ी थी कि मिथाइल को प्रेफरेंस दी जाती है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर आप क्लोरो को प्रेफरेंस देंगे, तो अगर आप मुख्तलिफ सिम से गिनती करें और मुख्तलिफ हेलो ग्रुप करीब कार्बन पे पड़े एक जैसे कार्बन पे पड़े तो आप उस तरफ से गिनती करेंगे जिस तरफ से छोटा हेलो ग्रुप करीब पड़े, यानी क्लोरो सबसे पहले और ब्रोमो उसके बाद और उसके बाद आयोडो का नंबर आता है। तो एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं, और ये एग्जाम्पल अब आपके सामने है और लॉन्ग चेन को आपने सिलेक्शन की और नंबरिंग आपने की, देखिए मैंने नंबरिंग यहाँ पर की है लेफ्ट से, अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग कर रहा हूँ तो क्लोरो ग्रुप सेकेंड कार्बन पे पड़ रहा है, अगर मैं राइट से गिनती करता तो आयोडो ग्रुप सेकंड कार्बन पे पड़ रहा है, तो मैं राइट से गिनती इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हैवियर आपका जो हेलो ग्रुप है वो कम वाले कार्बन पे आ जाएगा जो नहीं आना चाहिए, तो आपने गिनती कहाँ से करनी है जी, आपने गिनती करनी है लेफ्ट से ताकि आपका लाइटर हेलो ग्रुप करीब वाले कार्बन पे आए, तो लेफ्ट से गिनती करना सही है और राइट से गिनती करना गलत है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपके मुख्तलिफ हेलो ग्रुप मौजूद हो लॉन्ग चेन के अंदर और एक सिम से गिनती करने पर एक फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ रहा हो और दूसरे सिम से गिनती करने पर दूसरा फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ रहा हो, तो आप प्रेफरेंस किसको देंगे, लाइटर फंक्शनल ग्रुप को देंगे, सेम होने चाहिए ये जरूरी है, यानी हेलो ग्रुप होने चाहिए। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है जी, इनको एज अ सब्स्टिट्यूएंट माने और इनको हाईलाइट करके इनका आप नाम लिखें, तो फोर पे आयोडो लगा हुआ है और टू पे लगा हुआ है क्लोरो और थ्री पे लगा हुआ है ब्रोमो और पांच कार्बन की चेन है तो ये पेंटेन कहलाएगी, तो अब आपने इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है जी, तो प्रेफरेंस सिर्फ नंबरिंग के लिए है लेकिन लिखना आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो बी सबसे पहले आता है इसलिए सबसे पहले ब्रोमो लिखा जाएगा, उसके बाद सी आता है इसलिए क्लोरो लिखा जाएगा,
और उसके बाद आई आता है इसलिए आयडो लिखा जाएगा, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 3-bromo, 2-chloro, 4-iodo, pentane. रूल 7 पढ़ने जा रहे हैं और जरा इसको आप बहुत फोकस कीजिएगा। और रूल नंबर 7 आपका क्या कह रहा है जी, कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये मौजूद हो और हेलो ग्रुप भी मौजूद हो, तो सबसे पहले तो ये देखें जी कि नाम किस तरह से लिखा जाएगा। तो अब आप अल के साथ अगर डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो ईन लगा देंगे, बिल्कुल उस तरह जिस तरह हमने अल्कीन के अंदर नोमेनक्लेचर पढ़ी थी। और अगर वाई ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आप अल के साथ वाई एन ई लगा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हेलो ग्रुप को एज अ सब्सटीट्यूएंट के तौर पर इस्तेमाल हो गया, तो अल्केन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड की वजह से अल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से अल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तो ये ख्याल रखना है कि आपने फिर अल्केन नहीं लिखना बल्कि उसको अल्कीन लिखना है डबल बॉन्ड की वजह से, और अल्काइन लिखना है ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। और दूसरी अहम तरीन बात क्या है कि नंबरिंग में अब जो प्रायोरिटी होगी वो डबल बॉन्ड की होगी और ट्रिपल बॉन्ड की होगी, ठीक है जी। अब आपने नंबरिंग इस तरह करनी है कि डबल बॉन्ड करीब पड़े वो अलग, ये हेलो ग्रुप चाहे दूर चला जाए, ठीक है जी। तो प्रायोरिटी अब तक जो 6 रूल्स पढ़े और उसमें प्रायोरिटी में आप बार बार ये कह रहे थे जी कि क्लोरो ग्रुप करीब आए, हेलो ग्रुप करीब आए, तो अब आपका अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो प्रेफरेंस किसकी है, डबल बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेफरेंस है। तो अब आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, डबल और डबल या ट्रिपल बॉन्ड को देनी है। तो हेलो ग्रुप चाहे दूर चला जाए लेकिन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ये दूर नहीं जाने चाहिए। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है जी कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर में आज आपको पढ़ाऊंगा तो आपको ये बात और समझ में आ जाएगी। तो यहाँ स्टूडेंट गलती करता है कि वो हेलो ग्रुप को प्रेफरेंस दे देता है, तो हेलो ग्रुप की प्रेफरेंस नहीं है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के आगे। एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, इसको डिस्कस करते हैं जी। तो एग्जाम्पल 1 अब आपके सामने है, लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है और लॉन्ग चेन को इस तरह से सिलेक्ट करना है कि डबल बॉन्ड भी लॉन्ग चेन में हो और एज अ सब्स्टिट्यूएंट ये क्लोरो ग्रुप भी लॉन्ग चेन के अंदर आए, यानी दोनों को लॉन्ग चेन के पे लेके आना है जी। और गिनती इस तरह से करनी है कि डबल बॉन्ड, अब प्रेफरेंस डबल बॉन्ड की है, तो हमने लॉन्ग चेन का सिलेक्शन किया और गिनती करी थी। तो गिनती हमने कहाँ से की है जी, राइट से गिनती की है। राइट से इसलिए गिनती की है कि डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे मौजूद है, अगर हम लेफ्ट से गिनती करते तो डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 3 पे चला जाता तो हम गलत हो जाते। तो हेलो ग्रुप दूर वाले कार्बन पे जा सकता है लेकिन डबल बॉन्ड का करीब वाले कार्बन पे होना ये लाजिम है। तो आपको नजर आ रहा है जी 1 पे ईन नजर आ रहा है और आपने देखा जी 3 पे क्लोरो लगा हुआ है और इस ईन की वजह से ये 4 कार्बन वाली चेन का नाम आप क्या लिखेंगे, ब्यूटीन लिखेंगे। आप इसको ब्यूटीन लिखें या 1-butene लिखें, दोनों तरीके से सही है। अब आप इन दोनों को मिला दें तो नाम क्या बन जाएगा, 3-chloro-butene, या आप इसको लिखेंगे 3-chloro-1-butene। तो पोजीशन को मेंशन करें या पोजीशन को मेंशन ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने यहाँ पर ENE जरूर लगाना है। और दूसरा तरीका इसका आयोपेक्ष सिस्टम के तहत नाम लिखने का था क्या है जी, क्या आप लिखें 3-chloro और ब्यूट के बाद पोजीशन को मेंशन करके ईन लगा दें। तो दोनों तरीके से आप इसके नाम लिख सकते हैं और दोनों ही आयोपेक्स सिस्टम के तहत नाम है। तो आपने 3-chloro और क्या लिखा, 1-butene लिखा। इस बात का ख्याल रहे जी कि जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लॉन्ग चेन के अंदर आ जाएगा तो काउंटिंग प्रेफरेंस किसकी होगी, डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की होगी, किसके ऊपर, हेलो ग्रुप के ऊपर। एग्जाम्पल 2 से यही बात डिस्कस करने जा रहे हैं जी, लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है और इस तरह से नंबरिंग करनी है कि ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़े, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस किसकी है, ट्रिपल बॉन्ड की है। तो हमने नंबरिंग कहाँ से की, राइट से की, क्योंकि राइट से नंबरिंग कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है, और अगर आप लेफ्ट से गिनती करते तो ब्रोमो ग्रुप तो नंबर 2 पे आ जाता लेकिन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 3 पे चला जाता तो ट्रिपल बॉन्ड दूर हो जाता, इसलिए आप गलत हो जाते। तो नंबरिंग हमने कहाँ से करनी है जी, राइट से करनी है। तो सेकंड कार्बन पे आपका लगा हुआ है वायनी, जिसकी वजह से इस लॉन्ग चेन का नाम हो जाएगा पेंटाइन। अच्छा खैर, आपने ब्रोमो ग्रुप को हाईलाइट किया और उसकी पोजीशन के साथ इसको लिखा 4-bromo और इस लॉन्ग चेन का नाम क्या होगा, इस ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन के साथ 2 पोजीशन की वजह से लिखा है, 5 कार्बन की वजह से इसको पेंट लिखा है और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आपने क्या लिखा है, पेंटाइन लिखा है। इन दोनों नामों को आप मिला दें तो 4-bromo-2-pentyne इसका आयोपेक्ष सिस्टम के तहत नेम है। और अगर आप इस 2 को पेंट के साथ लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिखेंगे 4-bromo-pent-2-yne। तो आपने आयोपेक्ष सिस्टम के तहत
अल्काइल हैलाइड के नाम लिखना सीखें। अब ये जो चार्ट है जो आपके सामने है उसके अंदर हमने प्रोपाइल हैलाइड के कॉमन नेम और आयुपैक नेम को एक जगह किया है जी। तो कॉमन नेम आप सीख चुके हैं जी कि स्ट्रक्चर को देख के लिखे जाते हैं, जबकि आयुपैक नेम किस तरह रूल्स को अप्लाई करके लिखे जाते हैं। तो ये आपके प्रोपाइल हैलाइड के कॉमन नेम और आयुपैक नेम आपके सामने है, तो जरा आप इसको देखिए। इसी तरह ये ब्यूटाइल हैलाइड के कॉमन नेम और आयुपैक नेम आपके सामने है, जरा इसको भी तवज्जो से आप देखिएगा। ये तमाम बातें हम पहले पढ़ चुके हैं और ये रूल्स के अंदर हम नाम लिखना सीख चुके हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और इसी तरह ये पेंटाइल हैलाइड्स के कॉमन नेम और आयुपैक नेम आपके सामने हैं और ये इनके स्ट्रक्चर सामने हैं, तो जरा आप इसको जहन नशीन कर लें। आयुपैक सिस्टम के तहत जब आप नाम लिखने जाते हैं तो आपको रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं, जबकि कॉमन नेम के अंदर आपने इस चेन को पहचानना होता है कि वो एन है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, आइसो है या न्यू है। तो ये जो तीन स्लाइड्स हैं प्रोपाइल हैलाइड के लिए, ब्यूटाइल हैलाइड के लिए और पेंटाइल हैलाइड के लिए, इसको जरा आप बहुत तवज्जो से देखिएगा। अच्छा जी, अब हम नोमेनक्लेचर के अंदर जो हमने रूल्स पढ़े हैं अब हम उसको क्या करने जा रहे हैं, उसको समराइज करने जा रहे हैं। और जो रूल 1 पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था जी, कि हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सिलेक्ट करना है और इस तरह से सिलेक्ट करना है कि हैलो ग्रुप उसके अंदर एज अ सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो। दूसरा रूल हमने ये पढ़ा था कि नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग इस तरह से करनी है जी कि हैलो ग्रुप नियरेस्ट कार्बन पे आए। तीसरी बात हमने नाम इसका लिखना सीखा था, और नाम लिखने वक्त हमने ये सीखा था जी कि हैलो ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले हैलो ग्रुप की पोजीशन लिखी जाती है, उसके बाद हैलो ग्रुप का नाम लिखा जाता है, और हैलो ग्रुप का नाम एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है किसके आगे, अल्केन के आगे। चौथी बात हमने ये पढ़ी थी जी कि अगर एक से ज्यादा हैलो ग्रुप मौजूद हो तो 2 होंगे तो डाई और 3 होंगे तो ट्राई का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा हैलो के साथ। चौथी बात हमने ये पढ़ी थी कि अगर मुख्तलिफ हैलो ग्रुप मौजूद हो यानी क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो मौजूद हो तो इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाएगा। छठी बात हमने ये पढ़ी थी कि अगर मुख्तलिफ हैलो ग्रुप मुख्तलिफ तरफ से काउंटिंग करने पर एक ही कार्बन पे आए तो जो छोटा हैलो ग्रुप होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी क्लोरो की प्रेफरेंस ब्रोमो पे है और ब्रोमो की प्रेफरेंस आयोडो पे है। और सातवीं बात आपने ये पढ़ी जी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर ये लॉन्ग चेन के अंदर आ जाए तो आपको डबल बॉन्ड के लिए लॉन्ग चेन का नाम अल्कीन लिखना पड़ेगा और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लॉन्ग चेन का नाम अल्काइन लिखना पड़ेगा। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के आने के बाद जो नंबरिंग की प्रेफरेंस होगी वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को दी जाएगी, तो हैलो ग्रुप की जो प्रेफरेंस है वो खत्म हो जाएगी और डबल बॉन्ड के हिसाब से नंबरिंग की जाएगी, यानी नंबरिंग इस तरह से की जाएगी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़े। अच्छा जी, अब हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिस्कस करने जा रहे हैं, और प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब ये है कि किस फंक्शनल ग्रुप को किस फंक्शनल ग्रुप पे फोकियत देनी है जी। तो अल्काइल हैलाइड तक क्योंकि हम स्टडी कर चुके हैं तो अभी हम अल्काइल हैलाइड तक पढ़ने जा रहे हैं। आप आगे जिस तरह से बढ़ते जाएंगे उस तरह से ये प्रायोरिटी ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो हमारा जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी देनी है वो किसको देनी है, डबल बॉन्ड को देनी है। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहली है, उसके बाद जो प्रायोरिटी है वो ट्रिपल बॉन्ड की है। ये रूल आप पिछले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 5 के अंदर पढ़ चुके हैं जी कि अगर मुख्तलिफ तरफ से गिनती करने पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही कार्बन पे पड़े तो प्रेफरेंस किसको दी जाती है, डबल बॉन्ड को दी जाती है, इसलिए डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। उसके बाद जो प्रेफरेंस है वो किसकी है जी, हैलो ग्रुप की है, और हैलो के अंदर स्मॉलर की है यानी क्लोरो की है, उसके बाद ब्रोमो की है, उसके बाद आयोडी की है, और उसके बाद आपके स्मॉलर अल्काइल रेडिकल की है, और उसके बाद आपके लार्जर अल्काइल रेडिकल की है, यानी स्मॉलर में आप इसको मिथाइल ले सकते हैं और लार्जर के अंदर आप क्या ले सकते हैं जी, इथाइल ले सकते हैं। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसका आपको ख्याल रखना है जी कि लॉन्ग चेन के अंदर अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो काउंटिंग की प्रेफरेंस डबल बॉन्ड होगी, और अगर लॉन्ग चेन के अंदर अगर सिर्फ मिथाइल और क्लोरो लगाओ तो इसका मतलब है आपकी प्रेफरेंस किसकी होगी जी, क्लोरो की होगी। तो ये काउंटिंग प्रेफरेंस है, इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और वो चाहे अल्काइल हैलाइड ही क्यों ना हो, लेकिन प्रेफरेंस किसको दी जाएगी काउंटिंग करते वक्त, नंबरिंग करते वक्त, वो दी जाएगी अनसैचुरेशन को, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा जी, अब हम एक्सरसाइज करने जाएंगे। तो आपने आज के लेक्चर के अंदर आयुपैक सिस्टम के तहत अल्काइल हैलाइड्स के आयुपैक सिस्टम के तहत नाम लिखना सीखे, और इसके साथ साथ आपने कॉमन नाम, कॉमन नेम भी लिखना सीखे। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि आपको ये मजीद बात क्लियर हो जाए। आप एक्सरसाइज करते वक्त कोशिश करें कि कुछ सवाल तो आप मेरे साथ ही लेके चलें,
लेकिन कुछ सवालात के लिए आप क्या करें, लेक्चर को पॉज करें और लेक्चर को पॉज करके आप पहले खुद जवाब लिखें और उसके बाद फिर अपने आंसर को मेरे आंसर से टैली करें। ये क्वेश्चन नंबर 1 अब आपके सामने है और लॉन्ग चेन का हमने सिलेक्शन की और नंबरिंग हमने लॉन्ग चेन के अंदर कर दी। और नंबरिंग इस तरह से करनी है जी कि हेलो ग्रुप करीब वाले कार्बन पे पड़े, इसलिए हमने लेफ्ट से गिनती करी है। हमने हेलो ग्रुप को हाईलाइट किया उसकी पोजीशन के साथ, हमने लिखा 2 ब्रोमो और हमने लिखा जी 2 मिथाइल और लॉन्ग चेन के अंदर 5 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या कहलाएगा, पेंटीन कहलाएगा। अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपको इसको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटीन। तो ये इसका आयोपैक सिस्टम के तहत नाम है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटीन। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं जी। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर आप देखें जी तो इस कार्बन के साथ CH3 लगा हुआ है और 3 CH3 लगे हुए हैं। इसका मतलब इस कार्बन के 3 तरफ 2 ऊपर और 1 लेफ्ट हैंड साइड पे CH3 लगाना है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बनेगा। लॉन्ग चेन का हमने सिलेक्शन किया और नंबरिंग इस तरह से करनी है जी कि हेलो ग्रुप करीब पड़े। तो ब्रोमो लगा हुआ है कार्बन नंबर 1 पे तो हमने लिखा 1 ब्रोमो और कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल लगे हुए हैं 2 तो हमने लिखा 2 मिथाइल, दो जगह लगे हुए हैं। और 3 कार्बन वाली चेन है इसमें, ये प्रोपेन है तो इसका आयोपैक सिस्टम के तहत जो नेम होगा वो क्या होगा जी, 1 ब्रोमो और 2.2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो आयोपैक सिस्टम के तहत जो इसका नाम है वो है 1 ब्रोमो 2.2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने है और अब यहाँ पे आपको कार्बन के साथ 2 CH3 नजर आ रहे हैं और 1 Br नजर आ रहा है। इसका मतलब ये कार्बन के साथ 1 Br लगा हुआ है और 2 CH3 लगे हुए हैं। इसको ओपन करके लिखें तो ये इस तरह से बनेगी, यानी इस कार्बन के साथ 2 CH3 आपने लगा दिए और 1 Br लगा दिया और 1 और CH3 इसके साथ लगा हुआ है जी। लॉन्ग चेन की आपने सिलेक्शन करनी है, ब्रोमो कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ था हमने लिखा 2 ब्रोमो, मिथाइल भी कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ इसने लिखा हमने 2 मिथाइल और लॉन्ग चेन का नाम है प्रोपेन। तो इसका आयोपैक सिस्टम के तहत जो नाम होगा वो क्या होगा जी, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने है, लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है और डबल बॉन्ड आपको वाजे नजर आ रहा है तो आपने गिनती इस तरह से करनी है कि किसी भी तरीके से डबल बॉन्ड करीब वाले कार्बन पे आए। तो हमने नंबरिंग देखी की है जी राइट से ताकि डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पे आ जाए, क्योंकि हम लेफ्ट से गिनती करते तो ये कार्बन नंबर 3 पे जाता। 4 पे ब्रोमो लगा हुआ है, 4 पे मिथाइल लगा हुआ है और 2 और 5 कार्बन की वजह से कहेंगे 2 पेंटीन। अल्फाबेटिक ऑर्डर में आप इसका नाम लिखें तो आप लिखेंगे 4 ब्रोमो 4 मिथाइल 2 पेंटीन। ये आयोपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम है और आप इसका नाम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जी पेन के साथ आप 2 लगाएं और उसके बाद इन लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके सामने है, लॉन्ग चेन को आपने सिलेक्ट किया और लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करने के बाद अब आप क्या देख रहे हैं जी कि डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। अब आप ये जानते हैं जी और डबल बॉन्ड आप कार्बन नंबर 1 पे है और ट्रिपल बॉन्ड भी कार्बन नंबर 1 पे है। अगर लेफ्ट साइड से गिनती करें तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में आप प्रेफरेंस किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी है जी। और काउंटिंग कहाँ से की है, राइट से की है। तो 3 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है। अच्छा, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है और 5 कार्बन की चेन है तो ये क्या कहलाएगा, 1 पेंटीन कहलाएगा। और 4th पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए 4 बायनी कहलाएगा। अब आप इसका नाम लिखेंगे तो नाम किस तरह लिखेंगे, 3 क्लोरो 1 पेंटीन और उसके आगे लिखेंगे 4 बायनी। तो ये नाम लिखने का तरीका है, 3 क्लोरो 1 पेंटीन 4 बायनी ये भी आप लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो 1 पेंटीन भी लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको पेंट 1 ई मत लगाइएगा और 4 बायनी भी लिख सकते हैं। तो 1 पोजीशन को मेंशन करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और ये आपसे आपकी किताब के कुछ सवालात हैं, इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं जी, इसको हमने ड्रॉ किया, लॉन्ग चेन का सिलेक्शन किया और 2nd कार्बन पर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, हमने लिखा जी 2 क्लोरो और 5 कार्बन की चेन है तो इसको लिखेंगे पेंटेन, तो इसका नाम है 2 क्लोरो पेंटेन। क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं और आपकी किताब का सवाल है और हमने इसको ड्रॉ किया, लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है, लॉन्ग चेन का हमने सिलेक्शन किया और 1 पे लगा हुआ है जी ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है तो 1 ब्रोमो लिखा और 2 पर मिथाइल ग्रुप लिखा हुआ है इसलिए हमने लिखा 2 मिथाइल और लॉन्ग चेन है 4 कार्बन वाली, इसका मतलब है ब्यूटेन। इन दोनों को आप कंबाइन कर दें तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 8 को देखने जा रहे हैं, ये भी आपकी किताब का सवाल है
और देखें इस कार्बन को अब आपको इसके साथ लिखना है, तो दो लगे हुए हैं मिथाइल ग्रुप, तो आप एक को ऊपर लगा दें और एक आप लेफ्ट पे लगा दें। इसको हमने ओपन करके लिखा। अब आप लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करें, तीन कार्बन की लॉन्ग चेन है। कार्बन नंबर वन पर क्या लगा हुआ है, आयोडो ग्रुप लगा हुआ है, तो हमने लिखा वन आयोडो। और कार्बन नंबर टू पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हमने लिखा टू मिथाइल। और लॉन्ग चेन के अंदर तीन कार्बन है, तो इसलिए लिखा आपने प्रोपेन। इसका अल्फाबेटिक ऑर्डर में आप नाम लिखें, आई पहले आता है, तो आप क्या लिखेंगे, वन आयोडो टू मिथाइल प्रोपेन, ये इसका आईओपेक सिस्टम के तहत नाम है। और इसका क्योंकि कॉमन नेम भी लिखा जा सकता था, तो आप इसको आइसोब्यूटाइल आयोडाइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके सामने है, और लॉन्ग चेन का आपने सिलेक्शन किया, नंबरिंग करी, टू पर ब्रोमो लगा हुआ है, टू पे मिथाइल लगा हुआ है, और टू पे ही आपका क्या लगा हुआ है, ब्रोमो लगा हुआ है। और लॉन्ग चेन के अंदर 6 कार्बन है, तो आप लिखेंगे जी हेक्सेन, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, टू ब्रोमो टू मिथाइल हेक्सेन। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 करने जा रहे हैं, और इस एक्सरसाइज के अंदर अब आपको आईओपेक सिस्टम के तहत या कॉमन नेम आपको अल्काइल हैलाइड के दिए जाएंगे, और अब आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो ये भी अब आप पेंसिल और कागज को उठाइए और कोशिश करें कि मेरे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, और उसके बाद फिर आप मेरे स्ट्रक्चर से अपना स्ट्रक्चर को टैली करें। ये क्वेश्चन नंबर 1 अब आपके सामने है, और आपको बनाना है 1.2 डाइब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो सबसे पहले आपने लॉन्ग चेन को देखना है प्रोपेन, और प्रोपेन की वजह से अब आप तीन कार्बन बनाएं, और तीन कार्बन बनाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड से आप गिनती करें, पहले कार्बन पे और दूसरे कार्बन पे आप ब्रोमो लगाएं, और दूसरे कार्बन पे आप मिथाइल लगाएं, तो और कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दें, तो जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा। तो पहले और दूसरे कार्बन पे ब्रोमो लगा हुआ है, और दूसरे कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, और तीन कार्बन की ये चेन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, और लिखा हुआ है जी 3 ब्रोमो 4 मिथाइल 3 हेक्सीन। तो लॉन्ग चेन आपकी हेक्सीन यानी 6 कार्बन वाली है, तो सबसे पहले आप 6 कार्बन को ड्रॉ करें, लेफ्ट हैंड साइड से गिनती करें, तीसरे कार्बन पे ब्रोमो लगाएं, चौथे कार्बन पे मिथाइल लगाएं, और तीसरे कार्बन पर आप डबल बॉन्ड लगाएं क्योंकि ये ईन लिखा हुआ है, और सारे कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दें, तो जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका ये बनेगा। तो आप क्या देख रहे हैं जी, तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तीसरे कार्बन पे ब्रोमो लगा हुआ है, चौथे कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, और चेन के अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। क्वेश्चन 3 अब आपके सामने है, और ये लिखा हुआ है 1 क्लोरो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। तो लॉन्ग चेन आपकी 4 कार्बन वाली है, तो 4 कार्बन बनाइए, और दूसरे कार्बन पे आप डबल बॉन्ड बनाइए, और दूसरे कार्बन पे आप मिथाइल लगाइए, और पहले कार्बन पे आप क्लोरो लगाइए, और गिनती कोशिश करें कि आप लेफ्ट से करें, तो जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा। आपने क्या देखा जी, चेन के अंदर 4 कार्बन है, और पहले कार्बन पे क्लोरो लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, और दूसरे ही कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये इस ऊपर वाले कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 है जी आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। अब देखिए अब आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए जी कि आइसोब्यूटाइल क्या है जी, ये आपके 4 कार्बन है, और 4 कार्बन ये इस तरह से अरेंज है जी कि ये प्राइमरी अल्काइल रेडिकल है, तो जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बनेगा जी कि आयोडाइड जिस कार्बन के साथ अटैच हो उस कार्बन के साथ तो 2 हाइड्रोजन हो, और उसके बाद जो आपने चेन बनानी है, जो बच जाने वाले 3 जो आपके कार्बन हैं, क्योंकि ब्यूटाइल के अंदर 4 कार्बन होते हैं जी, तो 3 कार्बन को अब आपने एल शेप के अंदर आप ड्रॉ कर लें जी। तो ये क्या बन जाएगा, ये आप इस तरह ड्रॉ कर लें जी कि ये एक 3 कार्बन को ड्रॉ करें, और सेकंड कार्बन पे मिथाइल की चेन को दिखा दें, सॉरी मिथाइल ग्रुप को दिखा दें, और पहले कार्बन पे आप आयोडाइड को दिखा दें जी, तो ये क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल आयोडाइड बन जाएगा। तो ये वो स्ट्रक्चर है जो अब आपने जहन नशीन करना है, ताकि जी आपको फौरन आपके दिमाग में शक्ल आ जाए जी कि आइसोब्यूटाइल इस तरह से बनाते हैं जी। तो ये बहुत ज्यादा उसको फोकस करें, ये आपको आगे भी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके सामने, और लिखा हुआ है जी 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। तो पेंटेन का मतलब 5 कार्बन आपने बनाने हैं, लेफ्ट से गिनती करें, 1 पे क्लोरो लगाएं, 2 पे मिथाइल लगाएं, और कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दें, तो जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा। 1 पे क्लोरो लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, और कार्बन की वैलेंसियां पूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके सामने है, और आपने बनाना है जी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 4 कार्बन को ड्रॉ करना है, 2 पे ब्रोमो और 3 पे मिथाइल लगाना है, तो ये अब आपके स्ट्रक्चर आपके सामने है, और कार्बन की वैलेंसी को पूरी कर देना है।
क्वेश्चन नंबर सेवन जो है वो है जी 1-iodo-4-methyl-heptane. तो हेप्टेन का मतलब आपने 7 कार्बन ड्रॉ करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड से गिनती करना स्टार्ट करें, 1 पे आयोडो और 4 पे मिथाइल लगाए. तो 1 पे आपने आयोडो लगाया, 4th कार्बन पे आपने मिथाइल लगाया और 7 कार्बन बना के हर कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दिया, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया. 8वीं एग्जाम्पल है आपके पास टर्ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना है. तो टर्ब्यूटाइल का मतलब ये जी कि आपने 4 कार्बन बनाने हैं इस तरह के, एक कार्बन के 3 तरफ कार्बन लगे हुए हो और एक तरफ आयोडीन लगा हुआ हो, तो ये आपने टर्ब्यूटाइल आयोडाइड बनाया. तो आज के लेसन के अंदर आपने अल्काइल हैलाइड के आयुपैक सिस्टम के तहत नाम लिखना सीखे और आपने कॉमन नेम भी लिखना सीखे. तो आयुपैक सिस्टम के तहत जो आपने नाम लिखना सीखे, मैं नहीं समझता कि आपके लिए कुछ नई बात होगी, क्योंकि आप आयुपैक सिस्टम के तहत नाम लिखना सीख गए हैं. तो जो रूल्स आपने एल्केन, अल्कीन और अल्काइन में लगाए थे, वही रूल्स आपने अल्काइल हैलाइड के अंदर लगाए हैं. हाँ, कुछ नए रूल्स सीखे होंगे और आज आपने प्रायोरिटी ऑर्डर को सीखा. जो कल का हमारा लेसन है, जो लेसन नंबर 8 होगा, इसके अंदर हम नोमेनक्लेचर सीखेंगे जी अल्कोहल्स के. तो अल्कोहल्स के नोमेनक्लेचर को हम करना कल सीखेंगे इंशाल्लाह. अपना ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी. अस्सलामु अलैकुम.